सबसे पहला हमारे पास है कि पीरियोडिक मोशन होता क्या है राइट right? तो इसमें ऐसे इसको ऐसे समझते हैं हमारे पास जो अर्थ है राइट right? वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है एंड इट टेक्स 24 फोर आवर्स टू रिवॉल्व और उसका पाथ फिक्स है ठीक है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है विद फिक्स पाथ तो पीरियोडिक मोशन की भी डेफिनेशन यही है कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स सच दैट इट रिपीट्स इट्स पाथ रेगुलरली अर्थ जो है वो भी अपना पाथ रेगुलरली रिपीट करती है आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम राइट तो 24 आवर्स हमारे पास इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ही हुआ ठीक है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये पीरियोडिक मोशन है तो इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स सच दैट इट रिपीट्स इट्स पाथ एक क्वेश्चन के थ्रू भी समझते हैं कि इज सर्कुलर मोशन अ पीरियॉडिक मोशन राइट तो सर्कुलर मोशन तो हमारे पास uh, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल सर्कुलर पाथ पे जब मूव करता है तो उसको सर्कुलर मोशन ही बोलते हैं तो क्या ये पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है कि हमारे पास वो इक्वल इंटरवल इंटरवल ऑफ टाइम में पाथ को आ, रिपीट कर रहा है तो ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है कि हाँ सर्कुलर मोशन पीरियोडिक हो सकता है लेकिन जब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या होती है कि भाई हमारे पास सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इनिशियल पोजीशन पे वापस आ रहा है तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हुआ आई होप आपको पीरियोडिक मोशन क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट अपने टॉपिक पर चलते हैं ऑसिलेटरी है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हमारे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम आपने पढ़ा होगा अब ये हमारे पास ब्लॉक है मैंने क्या किया किसी फोर्सेस ब्लॉक को ठीक है राइट right साइड की तरफ पुल किया जिसकी वजह से जब मैं इसको छोड़ूंगा तो हमारे पास स्प्रिंग की जो इलास्टिक एनर्जी है ठीक है वो एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगी जिसकी वजह से हमारे पास जो ब्लॉक है वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा राइट तो इसलिए हमें इसको ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन क्या है अ टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द सेम पाथ Without any change in shape of the body is called an oscillatory motion, right? Okay. अब next topic पे चलते हैं Next है simple harmonic motion. सिंपल हार्मोनिक मोशन सबसे पहली चीज जो हमने periodic मोशन पढ़ा था उसी का ही एक स्पेशल टाइप है जहां पर इसको अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो एक ऐसा मोशन एक ऐसी मोशन जिसमें फोर्स इज डायरेक्टली proportional टू डिस्प्लेसमेंट और जो ये फोर्स है वो रीस्टोरिंग फोर्स होती है डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन वेयर द रीस्टोरिंग फोर्स ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्प्लेसमेंट राइट right, अब आगे एक और चीज लिखी हुई है एंड एक्ट्स टूवर्ड्स दी ऑब्जेक्ट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन राइट तो ये जो हमारे पास लाइन है इसको नेक्स्ट एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे राइट right, तो हमारे पास ये एक एग्जांपल है स्प्रिंग मास सिस्टम का दोबारा से हमने एक एग्जांपल लिया है मैंने जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये जो हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम है इस जहां पर जो मास है जब वो रेस्ट पे है तो मैंने उसको बोला कि भाई वो हमारे पास एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है क्योंकि उस उसपे कोई भी फोर्स नहीं लग रही क्योंकि वो रेस्ट पर है राइट right. मैंने क्या किया राइट right साइड में ठीक है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक फोर्स लगाया जिसकी वजह से हमारे पास ये ब्लॉक एक्स डिस एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करता है अब हमारे पास जैसी मैं ब्लॉक ब्लॉक uh, को मैंने फोर्स लगा के आगे की तरफ खींचा हमारे पास स्प्रिंग में एक एनर्जी स्टोर हो गई अब जैसे ही मैं जो अप्लाइड फोर्स है उसको रिमूव करूंगा तो हमारे पास ये जो स्प्रिंग है ये एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से हमारे पास ब्लॉक वापस टू एंड फ्रो मोशन करेगा राइट ओके तो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या कहती थी कि रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ठीक है अब यहां पर हमारे पास अप्लाइड फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है ठीक है पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड जो हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स है वो नेगेटिव एक्स एक्स की तरफ है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन का यूज करूंगा नेगेटिव साइन का यूज इसलिए किया ताकि हमें डायरेक्शन का पता रहे अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए मैं कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करता हूं दैट इज के ठीक है और ये हमारे पास री जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स की एक बेसिक इक्वेशन फॉर्म हो गई ठीक है और ये हमारे पास एक फॉर्मूला भी है कि फोर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स अब यहां पर के क्या है के बेसिकली फोर्स कॉन्स्टेंट है दैट इज अ फोर्स कॉन्स्टेंट राइट तो आई होप अभी तक जितना भी पढ़ाया है आपको क्लियर हुआ हो राइट right? तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हमारा टॉपिक वन जो है वो फिनिश हो गया अब हम टॉपिक नंबर टू पे चलते हैं टॉपिक नंबर टू में uh, क्या है क्वांटिटेटिव रिलेशंस ऑफ पीरियोडिक मोशन राइट तो इसमें हम फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड है ये सारे बेसिक डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं ये मान के चल लेता हूँ कि भाई हमारे पास एक फंक्शन ऑफ टाइम है ठीक है इसको मैंने साइन वेव फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट किया साइन वेव कौन सी होती है हमने मैथ्स में पढ़ रखा है कुछ ऐसी वेव ये ओरिजिन से पास होगी ऐसे है ना ये हमारे पास साइन वेव होती है तो ये जो फंक्शन में ये वाई है ये हमारे पास बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमने एक साइन वेव ले ली अब इसमें ये ए क्या है कैपिटल टी क्या है हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में समझ जाएंगे राइट तो अभी के लिए ये मान के चलते हैं कि भई हमने एक फंक्शन को ठीक है अज्यूम किया है दैट इज ऑफ साइन वेव ओके अब हमारे पास ये साइन वेव ठीक है साइन वेव है हमारे पास यहाँ पर ये प्लस ए और माइनस ए कुछ लिखा हुआ है अब ये क्या है अब यहाँ पर देखो ये जो ए है ये हमारे पास है एम्पलीट्यूड ठीक है ए को मैं डिनोट करता हूं एम्पलीट्यूड और ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हो ये जो प्लस ए है ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू पर है मतलब ये जो साइन वेव है उसी पर जैसे ही प्लस ए पे आता है वो वापस ही डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में चला जाता है तो इसका मतलब मैं ग्राफ देख के बता सकता हूं कि एम्प्लीट्यूड क्या होता है तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दी मेन पोजिशन राइट इज नोन एज एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड क्या है अच्छा टाइम पीरियड को समझने के लिए ये हमारे पास एक साइकिल है ये जो मैंने अभी येलो कलर से हाईलाइट किया है इसको मैं एक साइकिल बोलूंगा तो एक साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड से डिफाइन करते हैं राइट? Right? ओके। okay. तो आई होप ये जो फिगर है आपको समझ आई हो। ये जो था, आगे चलते हैं अब इसमें कुछ जो सिंपल टर्म्स है सबसे पहला है फ्रीक्वेंसी क्या होता है फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स रिपीटिंग पर यूनिट टाइम कि एक यूनिट टाइम में हमारे पास कितनी साइकिल्स एक wave, आ, कर रहे हैं? कितनी उसको मैं क्या बोलूंगा टी बोलूंगा। उसकी ऐसा यूनिट है हर्ट्ज और इसको मैं सेकंड इनवर्स भी लिख सकता हूं ठीक है एस इनवर्स इसको ऐसे डिनोट करते हैं अब मैंने सेकंड इनवर्स ही क्यों लिखा फॉर्मूला क्या है वन अपॉन टाइम पीरियड टाइम पीरियड को सेकेंड में हम मेजर करते हैं राइट तो हमारे पास ये सेकेंड इनवर्स हमारे पास फ्रीक्वेंसी की यूनिट uh, SI होगी राइट ओके अब नेक्स्ट बेसिक डेफिनेशन है टाइम पीरियड अभी मैंने बताया कि एक साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं और एसआई यूनिट सिंपली उसकी क्या है सेकेंड है राइट नेक्स्ट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम साइ यूनिट इसकी है रेडियंस पर सेकंड इसको हम आर ए डी रैड पर एस भी लिखते हैं ठीक है इसकी डिनोशन है फॉर्मूला क्या है हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी का अच्छा उससे पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है इसको क्या, हम क्या बोलते हैं ओमेगा एंड इक्वल्स टू टू पाई बाय कैपिटल टी कैपिटल टी टाइम पीरियड और ये हमारे पास ओमेगा का, का काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी आ गया और वन बाय टी को हम फ्रीक्वेंसी भी लिखते हैं तो मैं ओमेगा को टू पाई एफ भी लिख सकता हूं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है राइट तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हमें समझ आ गया अब ये जो हमने तीन चीजें पड़ी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इन्हीं को ही ये जो हमने साइन वेव का फंक्शन पढ़ा था इसी को इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे और ये जानेंगे कि हमारे पास जो पीरियडिक मोशन की इक्वेशन है उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं राइट तो हमारे पास इक्वेशन क्या है ए साइन टू पाय स्मॉल टी बाय कैपिटल टी राइट तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, तो कोई दिक्कत भाई हमने अभी पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी होता है वन अपॉन टाइम पीरियड तो मैंने वन अपॉन टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस कर दिया और अभी हमने एक और फॉर्मूला देखा कि टू पाई एफ किसके इक्वल होता है ओमेगा के इक्वल होता है तो ए साइन ओमेगा तो हमारे पास साइन वेव की तीन तीन रिप्रेजेंटेशन आ गई फर्स्ट तो ये वाली हो गई ठीक uh, a a है है इनको की जरूरत नहीं है अगर आपको फ्रीक्वेंसी एंग्लर फ्रीक्वेंसी राइट और टाइम पीरियड क्या होता है अगर ये पता है तो ये आसानी से आप इनको इन इक्वेशंस को मॉडिफाई कर सकते हो राइट ओके नेक्स्ट चलते हैं हम आगे अब बात करते हैं टॉपिक नंबर थ्री की टॉपिक नंबर टू हमारे पास फिनिश हो गया टॉपिक नंबर थ्री में क्या है एस एच एम एनालिटिक्स इसमें हम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन जो एस एच एम की इक्वेशन होती है उनको स्टडी करेंगे उनके रिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे तो बिगनिंग विथ इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अब इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जैसे सपोज हमारे पास ये साइन वेव है एक राइट ये हमारे पास साइन वेव है ओरिजिन से पास हो रही है तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैं लिखूंगा ए साइन ओमेगा टी राइट अब मैं बात करता हूं इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी हमें वेलोसिटी की डेफिनेशन पता है वो क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट राइट तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब वेलोसिटी अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन करता हूं तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी तो अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूं ओमेगा हमारे पास हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा राइट right? और टी हमारे पास वेरिएबल रहेगा तो अगर मैं इनका डिफ्रेंशिएशन करता हूं ओमेगा कॉस ओमेगा ये हमारे पास क्या होगी इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी आ गई अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सलरेशन एक्सलरेशन क्या होता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी का डिफ़रेंशिएशन करूंगा मेरे पास एक्सलरेशन की इक्वेशन आ जाएगी सिंपल डीवी बाई डी टी तो माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी अब मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लगाया क्योंकि हमारे पास कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स के इक्वल होता है इसलिए मैंने नेगेटिव साइन का यूज किया तो आई होप आपको इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एंड इक्वेशन ऑफ एक्सलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आई हो ठीक है ओके अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है सबसे पहली चीज हमने एस एच एम का फो, फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था वी नो बेसिकली एक डेरिवेशन है राइट right? तो एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स ये हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है इसको इक्वेशन नंबर वन अज्यूम कर लेते हैं सेकेंड चीज यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एफ इक्वल्स टू एम ए राइट अब इन दोनों को मैं कंपेयर कर देता हूं कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू राइट तो माइनस ऑफ के एक्स इक्वल टू एम ए अब मेरे को पता है एक्सलरेशन होता है डीवी बाई डी टी एंड वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास dx एक्स बाई तो एक्सलरेशन को मैं डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव लिख सकता हूँ तो अगर मैं इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर राइट हाँ यहाँ पे डी टी स्क्वायर लगाना अब मास को मैं इधर ले जाता हूँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई एस एच एम की डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम राइट अच्छा एक और चीज नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताना भूल गया एक चीज यहां पर नोटिस करो यहां पर ये जो ए साइन ओमेगा टी है एक्सेलरेशन में अगर मैं ए साइन ओमेगा टी देखूं तो ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है तो क्या मैं एक्सलरेशन को माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स के लिख सकता हूँ राइट क्योंकि हमारे पास ऊपर देखो एक्स क्या है ए साइन ओमेगा टी तो मैंने उसको रिप्लेस करके एक्सलरेशन का एक नया फॉर्मूला निकाल लिया ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स राइट ओके तो ये हमारे पास थी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम ओके अब आगे चलते हैं नेक्स्ट है कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे कि किसी भी अगर हमारे पास साइन वेव है ठीक है या फिर एस एच एम में बेसिकली एस एच एम में हमारे पास वेलोसिटी कब मैक्सिमम होती है कब मिनिमम होती है एज वेल एज विथ एक्सलरेशन सो सबसे पहले वेलोसिटी की बात करते हैं जब भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो की मतलब पोजीशन पे हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा तो उस टाइम पे वेलोसिटी हमारे पास मैक्सिमम होती है लेकिन जब एम्पलीट्यूड पे होगा वेलोसिटी मिनिमम होती है और एक्सलरेशन केस में ही बिल्कुल अपोजिट है कि अगर हमारे पास ये मेन पोजीशन पे है तो एक्सलरेशन मिनिमम अगर हमारे पास एम्पलीट्यूड पे है तो एक्सलरेशन क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी राइट right? तो ये हमारे पास कुछ कंडीशन थी कि भाई हमारे पास वेलोसिटी uh, मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी कब मिनिमम होती है एंड सेम विथ एक्सलरेशन ओके नेक्स्ट टॉपिक थ्री का लास्ट सब टॉपिक है कि कोई भी मोशन अगर एस में है या फिर उसको एस में आना है तो क्या क्या कंडीशंस उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी सबसे पहली कंडीशन है पॉइंट ऑफ स्टेबल ये चीज हमने एस एच एम की डेफिनेशन में भी पढ़ लिया था राइट right? नेक्स्ट है नो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी का लॉस एस एच एम में नहीं होना चाहिए ये बेसिकली आइडियल एस एच एम है तो इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए थर्ड है क्टली प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट अभी हमने फॉर्मुला पढ़ा नाइनस ओमेगा तो कॉन्स्टेंट है अगर मैं इसको रिमूव कर दू तो एक्सलरेशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिप्लेसमेंट ये भी हमारे पास एक रिलेशन uh, आ गया राइट right? तो एक्सलरेशन शुड भी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बी इन एस एच एन राइट राइट right, तो ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर फोर दैट इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ सिंपल सिंपल हारमोनिकटर एस एच ओ राइट तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं सपोज कर लेता हूं कि एंड ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के फंक्शंस है आर बोथ सोल्यूशन ऑफ दी सिंपल हारमोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन हम्म तो इसके लिए इनकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने डिराइव की थी उसको मैं लिख देता हूँ हो तो जाएगा डी स्क्वायर एक्स वन टी बाय डी टी स्क्स टू माइनस ऑफ के बाई एम एक्स वन टी इसको फर्स्ट इक्वेशन में लेट uh, कर लेता हूं वैसे ही सेकेंड के लिए भी सेम फॉर्म में मैं लिखूंगा अब मैंने क्या किया इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कर दिया राइट right? और जब मैं इनका डिफ्रेंशिएट करूंगा मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन भी करता हूं तो तब भी ये सम के इक्वल ही होगा क्योंकि डिफ्रेंशिएशन का रूल होता है सु, आ, वन दी दी प्लस डी स्क्वायर एक्स टू टी बाय डी टी स्क् तो ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन है इनकी वैल्यूज में इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा प्लस माइनस ऑफ के बाय एक्स टू टी राइट तो मैं माइनस ऑफ के m को कॉमन ले लेता हूं। हो जाएगा एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी एंड दिस इज इक्वल टू एक्स टी एक्स टी ये हमारे पास अभी मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन लेट किया था तो एक्स टीक्ल हो गया इससे हमें एक रिजल्ट एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि हमारे पास आ, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है सोल्यूशन का वो भी एक सॉल्यूशन है hmm? तो इसमें एक लाइन लिखेंगे दस द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वन टी एंड एक्स टू टी आर सोल्यूशन ऑफ एस एच ओ लेकिन हमें बात करनी है जनरल सोल्यूशन की उसके लिए आई हैज्यूम समेव एंड कोसाइन वेव मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है उसको मैं सी साइन ओमेगा टी प्लस डी कॉस ओमेगा टी मतलब साइन और कोसाइन वेव के सम के इक्वल लिख देता हूं अब इनको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ ठीक है ताकि मेरे पास वेलोसिटी आ जाए तो सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ डी साइन ओमेगा डी साइन ओमेगा टी अब यहां पर ये सी और डी क्या है बेसिकली ये कोएफिशिएंट्स है ठीक है जिनकी वैल्यू इनिशियली जब हमारे पास कोई भी इक्वेशन ठीक है स्टार्ट हुई थी तो उनकी वैल्यूज पहले से ही फिक्स थी तो हुज़ वर इनिशियली हु ओके तो इनिशियल कंडीशंस के लिए राइट फॉर इनिशियल कंडीशंस इनिशियल कंडीशंस के लिए मैं टाइम को जीरो मान लेता हूं जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या हो बचेगा हमारे पास सी साइन ओमेगा टी मतलब सी साइन जीरो प्लस डी कॉस जीरो हमें पता है साइन जीरो की वैल्यू जीरो के इक्वल होती है तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ गया डी के इक्वल आ गया हुँ? और अगर मैं वेलोसिटी वाली इक्वेशन में इसको पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास सी कॉस जीरो राइट माइनस ऑफ ओमेगा डी साइन जीरो जीरो के इक्वल तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया सी ओमेगा के इक्वल आ गया वेलोसिटी तो डी की वैल्यू एक्स टी के इक्वल आ गई और ओमेगा सी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई वी टी बाय ओमेगा अब इनकी वैल्यूज को मैं इक्वेशन नंबर बी में पुट कर देता हूं राइट तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट फाइनली क्या आ गया सी साइन मतलब वी टी बाय ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस डी कॉस ओमेगा टी अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है एंड में ठीक है दिस इक्वेशन दिस इक्वेशन इज द फाइनल जनरल सॉल्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ठीक है तो इसके साथ हमारे पास आज का लेक्चर खत्म होता है एंड आई होप कि आपको समझ आया हो ये आप ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो राइट तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं ठीक है एंड तब तक के लिए गुड बाय थैंक यू